इसी बीच एक बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जहां अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बड़ी जानकारी है, जहां बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, यानी कि जो अवैध निर्माण किए गए हैं वहां पर बुलडोजर से जो अवैध निर्माण किया गया है उसको ढाया जा सकता है। लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले लंबे वक्त से बुलडोजर की कार्रवाई होती है, क्योंकि जो लोग सड़कों पर या यूं कहें कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लेते हैं, और इससे आमजन को काफी दिक्कतें कई बार होती है। कई बार लोगों के रास्ता संकरे हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, और ये तमाम जो खबरें सामने आती हैं उसके आधार पर जो याचिका लगाई गई थी। हालांकि जो आपको याद होगा कि पहले जो सुनवाई हुई थी बुलडोजर एक्शन को लेकर, वो इसलिए हुई थी, उस पर रोक लगाई गई थी, जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते, जिन्होंने कोई अपराध किया है उनकी संपत्ति नहीं तोड़ी जाएगी, उनके जो माता पिता है, जो घर के परिजन है, उनकी संपत्ति नहीं तोड़ी जाएगी। लेकिन इसको लेकर जो अवैध निर्माण किया गया है उसको जरूर गिराया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गए हैं। अशरफ, जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर एक्शन पर मनाही नहीं है? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश यही है, जस्टिस ने यही कहा है कि हम किसी निर्दोष पर कोई कार्रवाई बुलडोजर वाली नहीं चाहते, लेकिन जो अतिक्रमणकारी हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर कोई रियायत नहीं है। उनका बहुत साफ है, चाहे वो अतिक्रमण आपने फुटपाथ पर कर रखा हो, रेड़ी पटरी वाले हो या कोई और हो, अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन जैसा कि अभी पिछले दिनों आप लगातार देखती आ रही थी कि जो के अपराधी होते थे, आरोपी होते थे किसी मामले में, तो उनके घर को बुलडोज कर दिया जाता था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का रोक कार्रवाई थी। आज उसी में सुनवाई, और उसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो अवैध निर्माण है, जिन पर अतिक्रमण है, उस पर हमारा कोई रोक नहीं, लेकिन जो उस पर अतिक्रमण पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन निर्दोषों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसी तरह का निर्दोष नहीं हो, हमें आम लोगों की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए है। उन्होंने साफ ये बात कर दी है कि बुलडोजर ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर किसी भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जाएं और कार्रवाई के नाम पर आप उनका घर तोड़ दें। हाँ, अतिक्रमण है तो अतिक्रमण पे कीजिए, चाहे वो सरकारी हो जमीन या कैसी भी जमीन जिस पर अतिक्रमण हुआ उस पर कार्रवाई करनी है, अन्यथा दूसरे मामलों में कार्रवाई नहीं करनी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अशरफ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जो अतिक्रमण किए गए हैं, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है, इस पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। आप ये मत सोचिए कि बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो अपराध कोई किया है तो उसकी संपत्ति जो तोड़ी जा रही थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, ना कि अवैध निर्माण पर। तो वही चलिए सीधे शुरू करेंगे, देखेंगे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सुंदर नृत्य के माध्यम से और संगीत के माध्यम से हमने अपनी परंपरा को संजोए रखा है। हमारी जनजातीय संस्कृति प्रकृति पूजक संस्कृति रही है। सरहुल के पर्व को लीजिए, छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी जसपुर जहां से हम आते हैं उस इलाके में सरहुल पूजा की परंपरा है। जब साल के पेड़ों में फूल आ जाता है तब ये सरहुल पूजा हम लोग मनाते हैं। ये प्रकृति की पूजा है, प्रकृति हमको इतना कुछ देती है, इसके बदले हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप ये पूजा हम लोग मनाते हैं। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है और ऐसे में प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है, तो हमारे लिए जनजातीय समाज द्वारा सिखाई गई बातें और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। हम लोग पंडुप मनाते हैं, बीज छिड़कने की रस्म से लेकर फसल काटने तक हर कार्य को हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। यहां तक कि आम का जब फल आता है तो उसको खाने के पहले भी हम लोग पूजा करके रस्म, चाहे महुआ है, कोई भी नया फसल आता है तो पूजा करके तब खाने का शुरुआत करते हैं। ये हमारे जनजातीय समाज में ये परंपरा है और इसका ये अर्थ है कि हमारी संस्कृति सबको फूलने और फलने का मौका देता है। इसी में जनजातीय संस्कृति की गहरी आध्यात्मिकता भी छिपी है।
प्रकृति को सहज कर प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना, बड़े छोटे का किसी तरह का भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं, सब बराबर हैं और प्रकृति का उपहार सबके लिए है। ये जन जाति समाज में ये परंपरा कूट कूट कर भरा है। हमारी जनजाति परंपरा माता सबरी की परंपरा है। श्री नारायण के पवित्र तीर्थ में उन्होंने भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे। माता सबरी की कथा प्रभु श्री राम के जनजातीय लोगों से गहरे जुड़ाव के तथा जनजातीय लोगों के श्री राम से अपार स्नेह की कहानी है। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का एक दशक हमारे छत्तीसगढ़ में बिताया, जनजातीय लोगों के बीच बिताया।